बहुत लोग मुझे फ्लेवर्ड कॉन्डोम के बारे में पूछते हैं, ये फ्लेवर्ड कॉन्डोम है क्या? देखिए, ये जो फ्लेवर्ड कॉन्डोम होता है ना, वो इसीलिए मार्केट में लॉन्च हुआ है, इसीलिए इसको बनाया जाता है ताकि फीमेल पार्टनर अच्छे से अपने मेल पार्टनर को ब्लो जॉब दे सकें। अब ब्लो जॉब क्या होता है वो तो आप जानते ही हो। फीमेल पार्टनर अपने मुँह से अपने मेल पार्टनर के जेनिटलिया को, यानी कि पेनिस को स्टिमुलेट करता है, हाथ की जगह अपने मुंह से करता है। अगर हाथ से करता है तो वो हैंड जॉब, वो अपने मुंह से करता है तो वो ब्लो जॉब हुआ। तो ब्लो जॉब के केस में क्या होता है, बहुत बार फीमेल्स थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करती है, यानी कि उसको डायरेक्टली जो पेनिस है उसको अपने मुँह में लेना अच्छा नहीं लगता है और वो उससे काफ़ी अनकंफर्टेबल फील करती है। तो इसीलिए मार्केट में फ्लेवर कॉन्डोम लॉन्च हुआ है ताकि फीमेल पार्टनर अपने मेल पार्टनर को अच्छे से ब्लोजॉब दे सके। इसके बेनिफिट्स भी काफ़ी होते हैं, जैसे पहली बात के अलग अलग फ्लेवर उन्हें मिलता है जिससे उनकी जो फैंटेसी होती है वो डेवलप होती है। फीमेल पार्टनर को ऑकवर्ड फील नहीं होता, मेल पार्टनर को भी ब्लोजॉब मिल जाता है एंड STI/STD के चांसेस भी कम होते हैं। बिकॉज अगर आप स्ट्रेंजर के साथ कर रहे हो तो एंड इन दैट केस आपको माउथ इन्फेक्शन हो सकता है, STI/STD जैसे इन्फेक्शन भी आपको हो सकता है। तो इससे भी आप काफ़ी अच्छी तरीके से बच जाते हो और आपका जो फैंटेसी है, आपका जो करने का तरीका है वो भी डेवलप हो जाता है और आपके प्लेजर, आपका जो फन है वो भी काफ़ी हद तक डेवलप हो जाता है। इसीलिए फ्लेवर्ड कॉन्डोम मार्केट में अवेलेबल होता है। बट बहुत सारे फीमेल पार्टनर को या बहुत सारे मेल पार्टनर को आज भी फ्लेवर्ड कॉन्डोम के बारे में पता नहीं होता, और बहुतों को पता होता भी है तो वो ट्राई आउट नहीं करते। तो आप अगर ऐसा कपल हो जिसने आज तक ओरल परफॉर्मेंस को ट्राई नहीं किया है और बट आपकी फैंटेसी है कि आप ओरल परफॉर्मेंस को ट्राई करो, आपके फीमेल पार्टनर डायरेक्टली आपको ब्लोजॉब देने से मना कर देती है, तो आप फ्लेवर कॉन्डोम को भी स्विच कर सकते हो, उसको इंट्रोड्यूस कर सकते हो। हो सकता है कि उससे आपकी फीमेल पार्टनर आपको ब्लोजॉब देने से राजी हो जाए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करो, शेयर करो एंड और सब्सक्राइब। थैंक यू।